दोस्तों आप सभी का ओनली टॉपिक स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री यानी कि रासायनिक विज्ञान से संबंधित टॉप 90 क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन आप सही कर पाए 90 में से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं पूरा टॉपिक वाइज आपकी साइंस कंप्लीट हो जाए, जीके कंप्लीट हो जाए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लाइक करिए, अपने दोस्तों को, भाई बहन को जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके और आप हमारी ये दो PDF को डाउनलोड करके जीके और साइंस कंप्लीट कवर कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कार चालक की सुरक्षा के प्रयोग में आने वाले एयरबैग में क्या होता है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सोडियम एजोएट। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जब भी कार क्रैश होती है ना किसी भी मतलब चीज़ से फोर्सफुली, तो इसमें एक दोस्तों स्पार्क हो जाता है, ठीक है, एक सेंसर होता है और उसे उस स्पार्क होने से दोस्तों सोडियम एजोइड में एक रिएक्शन होता है जिसमें नाइट्रोजन गैस बन जाती है और एयरबैग दोस्तों फूल जाता है, जिससे कि जो कार चालक होता है उसकी जान बच जाती है एयरबैग से। चलिए दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे उन पे मैं VV लिख दूंगा, आप उन क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने बता दिया होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइक्लोनाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से आंसू गैस यानी कि टीयर गैस का घटक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, क्लोरोपिक्रेन यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और कई बार इसका दोस्तों ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है CCl3NO2, ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज एस्बेस्टोस। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा यानी कि आपका बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, नायलॉन बनाई जाती है। देखिए नायलॉन दोस्तों किससे बनाई जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार SSC में, कई बार रेलवे में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पॉलीमाइड से, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? और देखिए वीडियो को ना स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करें क्योंकि आपको हमारा कंटेंट पता है दोस्तों, किस तरीके से हम आपके लिए मेहनत करके एक एक इमेज ऐड करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है छोटा सा कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? CaSO4 2H2O, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ये क्वेश्चन अभी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें पूछा गया था, ये भी मैं बताता रहूंगा दोस्तों कौन कौन सा एग्जाम किस मतलब पूछा गया था और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है? अगर पेट्रोल से दोस्तों आग लग जाती है ना कहीं पे भी, तो बालू यानी कि सैंड से उसको बुझाया जा सकता है, ठीक है ना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी, फ्यूज तार किससे बनती है या बनाया जाता है? तो जो फ्यूज तार होता है दोस्तों, आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा फ्यूज में एक तार लगा होता है, तो ये बना होता है दोस्तों टीन और शीशे की मिश्र धातु से, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। ये आपके लिए काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, दूध है, दूध क्या है ये आपको बताना है। देखिए पानी आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, एक घुलीय तरल दिख रहा होगा जिसमें पानी और तेल आ गया, और एक दिख रहा होगा पायस। तो ये दोस्तों पायस होता है यानी कि इमल्सन होता है जिसमें दूध और पानी पानी और तेल यानी कि लिक्विड जो होता है वो दोनों होते हैं, पायस दूध को दोस्तों बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, तेजाब वर्षा यानी कि एसिड रेन पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। देखिए एसिड रेन जो होती है दोस्तों वो पर्यावरण में मौजूद
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। और आप हमारी कोई भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, यूट्यूब पर सर्च करिएगा ओनली टॉप स्टडी, ठीक है, ये वाला नाम आपको सर्च करना है यूट्यूब पर, ओनली टॉप स्टडी, और आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी। आगे आने वाली जितनी भी आप अपकमिंग डेज की वीडियो होगी वो भी मिलती रहेगी। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए सर्च करिए ओनली टॉप स्टडी और जो वीडियो चाहिए वो वाली। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा, बहुत ही बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी, यानी कि D2O की खोज की थी? तो ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही है, HC यूरे ने, HC यूरे, यानी कि बी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन यानी कि द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल गामा उत्सर्जन के कारण के समय दोस्तों, यानी कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये भी आपको याद रखना है भाई। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन आता है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो देखिए, वायु में दोस्तों कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन गैस नहीं होती है, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, उद्रपातन दोस्तों कहते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन, SUBLIMATION, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, और डायग्राम से समझ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जंग लगने पर लोहे का भार, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन हो गया, फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए, जंग लगने पर लोहे का भार दोस्तों बढ़ जाता है, और ये क्वेश्चन तो बहुत बार मैं पहले भी रिपीट करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीला थोता है, देखिए सबसे पहले तो आपको देख लीजिए, नीला थोता ये होता है, और नीला थोता है क्या है? बिल्कुल सही दोस्तों, कॉपर सल्फेट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो निम्न में से कौन सामान्य ताप पर दोस्तों द्रव रहता है? तो ये आप सभी लोग जानते हैं, पारा, ठीक है, मरकरी जो है वो दोस्तों सामान्य ताप पर भी लिक्विड रहता है। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी? चैडविक ने की थी, यह आप सभी लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है, सॉरी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल अल्फा बीटा और गामा विकिरण, यानी कि राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो ओस्क्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, हेनरी बेकरेल ने, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह भी आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विगमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, राइट आंसर रहेगा कोशिकाओं में सल्फर के कारण, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मधुमक्खी के 10 से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अतः सेपित अम्ल कौन सा है? दोस्तों ये आपको बताना है, कई बार पूछा जाता है यह अम्ल भी, इसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिथेनोइक अम्ल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बनती है? तो देखिए, N2O H2 होता है, यानी कि इसमें से H2 हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ये मैंने अभी भी बताया था, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था भाई रेलवे में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सूखी बर्फ क्या है? तो देखिए, सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये ऐसा इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिल्कुल से पॉली कार्बोनेट, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इस तरीके से लेयर में दोस्तों ये होता है, ठीक है, जिससे बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ कोई भी चीज़ बनती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है,
फलों को पकाने वाली गैस, अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन भी, और इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो इनमें से देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियो और भी अपलोड कर रखी है, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग देख सकते हैं बाकी वीडियोज़ को भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त है? और दोस्तों मुझे ये बताइएगा, कल की वीडियो मैं फिजिक्स की कराऊं या फिर किस टॉपिक पर कराऊं, बताइएगा मुझे। मैं खुद बता रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि फिजिक्स के आपको 80, 90 या 100 क्वेश्चन करा दूं, आप क्या चाहते हैं जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा जियोलाइट, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, 29 का राइट आंसर रहेगा सेलुलोज, बिल्कुल सही है, ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, फ्रियोन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में होता है, तो खट्टे फलों में दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल सही आंसर है, साइट्रिक अम्ल, यानी कि बी राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में शीतकल में के रूप में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा फ्रियोन 12 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था किसने दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, 36 का राइट आंसर दोस्तों आपका होने वाला है, बिल्कुल सही है, रेडॉन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर, RN इसका दोस्तों सिंबल होता है। अगला है दोस्तों, लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनता है दोस्तों, बिल्कुल सही है, फ्लिंट कांच से, ठीक है, राइट आंसर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोह एस्क है? तो निम्न में से दोस्तों कौन सा लोह एस्क है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, बिल्कुल सही, तो यहां पर मैग्नेटाइट दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, फोटोग्राफी में दोस्तों कौन सा जो है अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ट्राई नाइट्रो टाइलून है एक, क्या है दोस्तों ये बताना है, ये एक विस्फोटक है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ दोस्तों निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, आइसोप्रीन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है, राइट आंसर इज जर्मेनियम, यानी कि यहां पर राइट आंसर बी रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही, SR एवं BA, यानी कि ऑप्शन दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का अधिकतम घनत्व दोस्तों कितने डिग्री पर होता है, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, आई होप कि आप सभी को पता ही होगा। रेडियो सक्रियता का यूनिट है, तो 45 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्यूरी, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सोडा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बॉक्साइट किसका एस्क है, तो दोस्तों बॉक्साइट किसका एस्क है, तो ये एस्क है अल्मोनियम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये अल्मोनियम की ही कच्ची धातु है, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो ये बनता है दोस्तों किससे, जिप्सम से, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है, तो देखिए समुद्र के पानी से दोस्तों कौन सी धातु निकलती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, नाखून पॉलिश रिमूवर से क्या रहता है, ये आपको बताना है उसमें क्या रहता है, तो इसमें रहता है दोस्तों एसीटोन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेट्रा इथराइल लेड निम्नलिखित में से क्या है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही उत्तर है आपसे फोटरोधी यौगिक, यानी कि दोस्तों राइट आंसर सी रहने वाला है। अगला है दोस्तों, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण से होती है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सल्फर घटक से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रायोलाइट किस धातु का एस्क है, तो क्रायोलाइट दोस्तों किस धातु का एस्क है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का, और यह भी क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन से भिन्न है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है आपका बिल्कुल बॉक्साइट इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है, वायु का कौन सा घटक लोहे पर जंग लगाने के लिए उत्तरदायी है, तो देखिए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वायु में विद्यमान O2 और दोस्तों यहाँ पर वायु में मौजूद नमी दोनों हैं, ठीक है, पर वायु में विद्यमान CO2 नहीं होगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट और सेकंड रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में सबसे प्रचुर एक्रिय गैस कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑर्गन गैस, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है, तो देखिए सीमेंट का मुख्य घटक दोस्तों कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसकी एक में से क्रम सबसे हल्की धातु सबसे भारी धातु है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करा चुका हूँ मैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों लिथियम एवं ऑस्मियम दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, सबसे हल्की और सबसे भारी ये रेस्पेक्टिवली है। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा द्रव हाइड्रोजन द्रव ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, देखिए ऑक्सीजन और जल की, ये दो चीज़ें दोस्तों यहाँ पर लोहे में जंग लगाने के लिए सफिशेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गैस एक मिश्रण है, तो देखिए गैस जो होता है दोस्तों वो मिश्रण है किसका, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये तंतु बना होता है दोस्तों टंगस्टन से, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा CO2, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमेंट की खोज किसने की, तो देखिए सीमेंट की जो खोज है वो किसने की थी दोस्तों, जोसेफ आस्पिडीन ने, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से दोस्तों जो सही कथन है, हाँ सही पूछा ना, सही कथन है दोस्तों, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं
और हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पहले कवर कराया था मैंने एक वीडियो में, और ये क्वेश्चन अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। खनिज क्या है, इसलिए बोलता हूँ कि पूरी वीडियो को देखा करें, एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाए, एक भी क्वेश्चन को छोड़ के चले गए दोस्तों, तो प्रॉब्लम हो सकती है। खनिज क्या है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अकार्बनिक ठोस, यानी कि राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्टेनलेस स्टील को तनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, क्रोमियम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला दोस्तों कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा सल्फर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, प्रिकिक अम्ल, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए कई बार ये क्वेश्चन आता है और ये अभी भी पूछा गया था, बट यहाँ पर दोस्तों जो अभी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था ना कि स्वतंत्र अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, उसमें ऑप्शन सिल्वर भी था और यहाँ पर गोल्ड है दोस्तों, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सिल्वर बी ठीक है आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन में होगा तो। सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबो कर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा केरोसिन में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, भारी जल दोस्तों, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा D2O। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था? तो देखिए आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, सबसे पहले जो धातु का प्रयोग हुआ है वो तांबे का हुआ है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, वह चांदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, वाटर गैस किसका मिश्रण होती है? तो वाटर गैस दोस्तों मिश्रण होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है अभी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ स्थान पर उपयोग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा हीलियम, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी एक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा, अच्छा ये वाला तो हो गया ना, अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है दोस्तों? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों रासायनिक सूत्र है CaSO4 ठीक है, हाफ H2O। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी कल परसों ही ये शिफ्ट में पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। अब मैं यही चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अपने हर एक ग्रुप डी वाले बच्चों को, दोस्तों को शेयर कर देना, जो भी आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका भाई है, बहन है, दोस्त है, जो भी है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम दोस्तों आपसे पूछा गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, CaCO3 इसका रहेगा सूत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोह प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो दोस्तों किसमें कार्बन नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी दोस्तों कार्बन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो देखिए ये भी कई बार पूछा जाता है और ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ,
चलिए बता देते हैं दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, इसके आप अदर नेम कितने जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा, लास्ट के दो क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो क्या बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पानी बन जाएगा ना यार। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा होती है किसके कारण से, तो कारखानों के कारण से। अगर आपसे पूछा जाए वैसे किसके कारण होती है, तो N2SO2 मैंने आपको बता ही दिया था। मूत्रालयों के पास से प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है दोस्तों, ये होता है अमोनिया, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है, तो विद्युत का चालक इनमें से दोस्तों लवण जल है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये आपको बताना है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस इफेक्ट पर ज़्यादा असर डालती है, एक तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और एक बस यही बताना है, तो ठीक है आप मुझे ये बताइएगा, यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देखी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, हमारी मेहनत आपके लिए जो कर रहे हैं कैसी लगी। वीडियो को लाइक करके अपने भाई बहन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ग्रुप डी वाले बच्चे को तो जरूर कर देना क्योंकि उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम अभी चल रहा है, इस प्रकार की दो चार वीडियो भी मिल गई और उसमें से क्वेश्चन फंस गए दोस्तों तो बढ़िया हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर ओनली टॉप स्टडी सर्च करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।